नेक्स्ट अपन ट्रिग्नोमेट्री में आ गए हैं, तो अपना लेक्चर टू स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो सारा कुछ आपने पढ़ा ही होगा टेंथ क्लास का, आज जो भी चलेगा वो टेंथ क्लास का ही है, कुछ इलेवेंथ का ऐड करूँगा अभी। पहले बेसिक आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा और आप थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सबको आइडिया है, आप सोचोगे कि इसमें क्या नई चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस करने थे लेकिन अभी तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिक्स ही क्यों होते हैं? तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए होते हैं क्योंकि एक राइट एंगल है। पहली बात तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं, और सिक्स इसलिए होते हैं क्योंकि ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती है, और थ्री साइड्स का रेशियो जब हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर बेस हाइपो में दो दो करके लेते हैं रेशियो, तो थ्री रेशियो ही मिलते हैं और थ्री उसके अपोजिट में जाते हैं, इसलिए वहां पर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सिक्स ही होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेट कॉस सेट, बात क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि सिक्स ही क्यों है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो परपेंडिकुलर बेस और हाइट या हाइपो जो भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपो दो दो का रेशियो अगर हम लेंगे तो हमारे पास थ्री रेशियो मिलेंगे जो कि साइन कॉस टेन बनाएंगे, और थ्री और बन जाएंगे उनके रिवर्स तो कॉट से कॉसेक बना जाएगा। तो वो सब नहीं बताता हूँ मैं, मैंने तो बता दिया ऐसे ही रफली। हाँ, परपेंडिकुलर बेस और हाइपो में ये भी आप बहुत होशियार होंगे, आपको पता होगा कि अगर एंगल थीटा ये लेना है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो हो जाएगा, और अगर थीटा मैंने ये कंसिडर कर लिया तो थीटा ही जो है वो पोजिशन बताता है किसकी, परपेंडिकुलर की, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपो हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट तो हमेशा हाइपो ही होने वाला है, थीटा जो है वो डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, ये सब तो खैर आपको पता ही होगा, साइन थीटा क्या होता है, पी बी पी, ये जो है वो एक शॉर्टकट है, अगर हमने शुरू से हमें ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया नहीं तो वो भी बता देता हूँ। ये जो है वो साइन है, ये जो है इसका रेशियो कॉस, ये जो है वो टेन है, इसका रिवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये कॉट है, ये सेक है और ये कॉसेक है। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो कि सही है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान का पी ले लिया, पी का मतलब परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपो, एच का मतलब हाइपो। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान ठीक है, ये हमने ले लिए पी पी बी पी बी पी और एच एच बी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सॉरी कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपो, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा इसका रिवर्स कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होगी, मैं जो आप बताने जा रहा हूं वो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा जो है वो वन होगा। कंडीशन क्या है, हम हमेशा थीटा एक्यूट एंगल मान के चल रहे थे लेकिन अब 11th में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहां पर मैं लिख देता हूं, अभी खैर मैंने इनकी बात नहीं की है लेकिन अभी कर चुका हूं, यहां पे पाई की बात तो कर लिया, पाई जो है वो 180 डिग्री हो गया। अभी क्वाड्रेंट रूल बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी हम यहां पर ऐसे लिख लेते हैं कि थीटा जो है वो n पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में अभी क्वाड्रेंट का रूल पढ़ने के बाद बात करेंगे कि sin थीटा cosec थीटा हमेशा 1 होता है, लेकिन कब नहीं होता, जब थीटा n पाई का मल्टीपल होगा। अगर थीटा की वैल्यू n कोई इंटीजर है, अगर हम 0 रख दें तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 का मल्टीप्लाई और cosec 0 जो है वो भी आपने पढ़ा होगा इंफिनिटी हो जाएगा अनडिफाइंड, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1 हो ही नहीं सकता। 10th में हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है सब करने की, तो इसलिए हम
कुछ भी कर लेते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब जो साइड में चीजें दी रहती है ना, जो टेंथ में स्कूल वाले या हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आईआईटी वाले उसी से खेलेंगे आपसे, वो साइड में लिख देंगे कि इसका नंबर और सोल्यूशन ये नहीं होना चाहिए, और वो वहां पर आ जाएगा और आप कहेंगे कि हमारा ये आंसर हो गया तो गलत। तो हमें ये जो साइड में रखी हुई चीजें, इनको साइड में नहीं रखना है, इनको मेन में लेके आना है। तो थीटा जो है वो एन पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 0 पाई, 180 डिग्री, 360 डिग्री ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जगह ये जीरो दे देगा। सिमिलरली सेकंड वाला उल्टा भी हो जाएगा, cos 1 / sin, sin 1 / cos, दूसरा cos थीटा into sec थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, थीटा नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई / 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई / 2 नहीं होना चाहिए, cosec 90 और sec 90 1 नहीं हो सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद tan थीटा into cot थीटा ये भी 1 हो जाएगा, कब 1 नहीं होगा, when थीटा नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई / 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई / 2 नहीं होना चाहिए। थीटा जो है ऑड मल्टीपल ऑफ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार मैं इनको बता रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो इसका मतलब फिर ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। 10th में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 11th में और 12th में हमें खास जरूरत पड़ने वाली है इसकी, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद और आगे बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो राइट हैंड लेफ्ट साइड की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती है, 3 होती है, वो भी हम 10th में पढ़ चुके हैं। उनका थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा उसके बारे में, जो आपको ध्यान रखना है, और उनको प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ तो आप कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, वैसे तो आपने किया होगा होशियार है, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, और ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी अपॉन सॉरी एच, और ये बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ये 1 हो गया। बहुत सीधी सी बात है, 10th में हर बच्चे ने किया होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जिससे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो मेन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये सभी जानते हैं। जो ये जानता है कि 1 इक्वल टू भी हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं, वो यहां पर बाजीगर है, बाजीगर समझते हैं ना, तो वो बाजीगर। तो हमें क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये सारी दुनिया ही जानती है कि ये होता है, लेकिन 1 जहां कहीं पर दिखाई देगा और हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख पाएंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसका हमें आइडिया होना चाहिए कि 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी रखनी है, और वो हम रखेंगे। बाकी जो दो आइडेंटिटी है उसमें भी 1 की वैल्यू भी हम sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पुट करेंगे। दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, देन sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, यहां से एक रिजल्ट और आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका ध्यान रखना है हमको, कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 4 गिवन है
तो एक इक्वेशन हमारे पास 4 गिवन है, तो एक हम अपनी तरफ से बना लेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा 1/4 हो जाएगी। फिर उन दोनों को सॉल्व करके sec और tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट में हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/ sec थीटा प्लस tan थीटा। नोट कर लीजिए इसको, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, ये सबको पता है। 1 की वैल्यू में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पुट करेंगे, ये बाजीगर को पता है, ठीक है। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 तो होता ही है, लेकिन 1 इक्वल टू भी हमें पुट करना आना चाहिए। नोट करिए इसको जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट, थर्ड हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के बाद cosec और cot का रिलेशन आ जाएगा। जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मींस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। दूसरा cot square theta equal to cosec square theta minus 1। थर्ड cosec theta plus cot theta, cosec theta minus cot theta 1, cosec theta plus cot theta equal to 1/ cosec theta minus cot theta और cosec theta minus cot theta equal to 1/ cosec theta plus cot theta। ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने बार-बार ये बताया हुआ है कि cosec square minus cot square 1 सभी जानते हैं, 1 की वैल्यू cosec square minus cot square भी हमें पुट करना पड़ेगा कई सारे क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात कर लेता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये हमको इसकी सारी वैल्यू जो है वो लर्न कर लेनी है। ये मैं नहीं बता रहा कैसे फॉर्म करते हैं, सब आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 30 45 60 90 डिग्री, वो सारी टेबल हमको लर्न होनी चाहिए। लर्न करने वाला काम यहाँ पर ज्यादा है जो हमें करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में खास, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें लर्न करनी है, 0 डिग्री 30 45 साइन और कॉस की और टेन की एटलीस्ट याद होनी चाहिए हमको, ठीक है। आगे आप करेंगे इसमें एक रूल है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल, जो फिजिक्स में भी हमारे काम आया था, तो वो आप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट रूल, क्वाड्रेंट रूल जल्दी से इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन गए, यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 से कम, यहाँ पर 90 से ज्यादा होगा, 180 डिग्री से कम एंगल होगा, यहाँ 180 से ज्यादा होगा, 270 से कम होगा, और यहाँ पर 270 से ज्यादा होगा, और 360 डिग्री से कम होगा, और उसके बाद फिर 360 से ज्यादा हम इस तरीके से अपना रोटेट करते जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर एक रूल है, बहुत समझ लेते हैं इसको, फिर मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा सर्कल में। अभी तो हमने जो ये इस तरीके से इजी वे है वो पढ़ लेते हैं, फिर सर्कल में भी बात करेंगे हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। अभी तो ये देख लेते हैं, इसका हमें ये ऐसे याद रखना है, एएसटीसी रूल भी बोलते हैं इसको, एएसटीसी रूल। ए ए मींस है आफ्टर, एस मींस स्कूल टू, और सी मींस सिनेमा। तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा से हमने ये लिया हुआ है। ए का मतलब जो है वो ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑल पॉजिटिव। S का मतलब है साइन और साइन का रिवर्स कॉसेक पॉजिटिव होंगे। T का मतलब यहाँ A है, यहाँ S है, यहाँ T है और यहाँ C है। T का मतलब है 10
और इसका रिवर्स कॉट पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर सी का मतलब है sec और cos पॉजिटिव होंगे, सॉरी sec और cos, sec और उसका रिवर्स cos पॉजिटिव होंगे। ओके, तो साइन और इसमें सारे के सारे, इसमें साइन और साइन का रिवर्स, इसमें टेन और कॉट टेन और टेन का रिवर्स, इसमें sec और cos पॉजिटिव। बाकी जितने होंगे जैसे यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होंगे दो, बाकी चार नेगेटिव। यहाँ पर ये दो पॉजिटिव होंगे बाकी चारों नेगेटिव, यहाँ पर ये दो पॉजिटिव होंगे बाकी चारों नेगेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है वो क्या क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि जितने भी 90 डिग्री के केसेस हैं, 90 डिग्री प्लस माइनस हो या 270 डिग्री प्लस माइनस हो, इसमें साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, sec चेंज हो जाएगा cosec में, और cosec चेंज हो जाएगा sec में। उसके बाद दूसरा केस, इसी में अगर दूसरा केस इसी में लिख लेता हूं कि अगर 180 डिग्री प्लस माइनस का केस हुआ या 360 डिग्री प्लस माइनस का केस हुआ, तो sin जो है वो sin में ही रहने वाला है, cos जो है वो cos में ही रहने वाला है, मींस सारे cosec जो है वो cosec में ही रहने वाला है, इसमें नो चेंज करके ऐसे लिख लेते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, कॉस कॉस नहीं रहने वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? ये तो हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, पहला तो 90 और 270 देख लिया हमने कि 90 और 270 में चेंज हो गया। उसके बाद और क्या, यहाँ पर हम अपना रूल देख लेंगे जो हमने रूल पढ़ा था कि किस क्वाड्रेंट में रहेगा, किस क्वाड्रेंट में रहेगा 180 और इसमें तो चेंज होगा 90 और 270 में, तो चेंज 180 और 360 में होगा तो नो चेंज। ठीक है, अब जैसे अगर हम फर्स्ट अपना बनाए 90 माइनस थीटा का, तो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है हमको ये देखना है, वो रूल हमारा जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो हमको ये देखना है, उससे लेना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। दूसरा, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाला बना के देखते हैं क्या होने वाला है। sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta, cot 90 minus theta, sec 90 minus theta और cosec 90 minus theta, ये हमने 6 लिख लिया। ये तो उसके हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट लर्न कर लिए थे। यहाँ पर हमें कैसे ध्यान रखना है, हम ये देखेंगे कि पहली बात तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और दूसरा चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। तो किस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो इसलिए वहां पर हमने 10th में सबको पॉजिटिव किया हुआ था। उसके बाद सेकंड है कि 90 का केस आएगा, तो 90 देखते ही हम क्या कर देंगे, साइन को किसमें चेंज कर देंगे, कॉस में, तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस, cos 90 minus theta sin, tan 90 minus theta cot, cot का 10, sec का cosec और cosec का sec। ये तो हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, जबकि हम यहाँ पर किसने थे 10th क्लास में भी हमने इसको लर्न किया हुआ था। अब जैसे ही 90 minus theta से हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे 90 प्लस में, क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ 90 प्लस theta, 90 प्लस theta में क्या हो जाएगा, और इसको भी हटा देता हूँ। 90 प्लस थीटा में किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव किया, बाकी चारों को क्या कर दिया, नेगेटिव। और जैसे ही 90 डिग्री हमने देखा, तुरंत हमने साइन को किसमें चेंज कर लिया, कॉस, ये साइन थीटा, ये कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और ये सेक। तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, बल्कि सेकंड नहीं रहते, 90 माइनस 90 प्लस हो गया, 180 माइनस थीटा भी देख लेते हैं। 180 माइनस थीटा में क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस, इसी तरह टेन, कॉट, sec और cosec।
180 डिग्री माइनस थीटा में क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, सेकंड में, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। जैसे ही हमने 180 डिग्री देखा, 180 डिग्री में हमको बताया गया कि साइन जो है वो साइन में ही रहने वाला है, तो इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, बाकी चारों को नेगेटिव कर देते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, 10 माइनस कॉट थीटा माइनस 10 थीटा, यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला क्योंकि 180 का केस चल रहा है, 10 180 माइनस थीटा माइनस 10, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec और cosec प्लस cosec थीटा, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा का केस हो गया हमारा। उसके बाद 180 डिग्री माइनस थीटा के बाद अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बाद, हम कहां जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस। तो जैसे ही हम 180 प्लस की बात करेंगे तो अब क्या चेंजेस आ जाएंगे यहां पर, sin 180 डिग्री प्लस थीटा, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, cot 180 डिग्री प्लस थीटा, sec 180 डिग्री प्लस थीटा और cosec 180 डिग्री प्लस थीटा। तो अब यहां 180 डिग्री प्लस थीटा में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, tan और cot क्या हो गया, पॉजिटिव, तो tan और cot को कर दिया पॉजिटिव, बाकी चारों क्या हो गए, नेगेटिव। जैसे ही हमने 180 डिग्री देखा, 180 में हमको बताया कि कोई चेंज नहीं होने वाला है, साइन साइन नहीं रहने वाला है, तो ये माइनस साइन थीटा, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे 54 फॉर्मूले हमारे बनेंगे। 54 कैसे बनेंगे, यहां पर ये 6 6 करके 12, 24, 36, 48, यहाँ पर एक एंगल और है, जैसे ये दोनों एंगल तो ये एक एंगल माइनस थीटा भी यहाँ ऐड कर लेते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का जो रूल है वो इसी में चलेगा, नो चेंज। तो इसी तरीके से हमको सारे 54 फॉर्मूले क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट जाके बनाने हैं। एक मैं माइनस थीटा वाला और बना देता हूँ, क्वाड्रेंट माइनस थीटा वाला कैसे बनेगा, बाकी ये सब आपको होमवर्क है, सारे 54 फॉर्मूले आप बनाएं और फिर मुझे बताएं। 270 माइनस में 270 का नाम आएगा, 10 क्वार्ट में चेंज हो जाएगा, 360 माइनस की बात करेंगे तो फिर वही सेम रूल रहेगा, जो 360 का है वही माइनस थीटा का भी रूल रहेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, sec of minus theta और cosec of minus theta। minus theta fourth quadrant में लाइक कर रहा है, fourth quadrant में cos और sec positive, बाकी चारों क्या हो गए, negative। उसके बाद change होगा कि नहीं change होगा, तो no change। तो sin minus theta minus sin theta plus cos theta minus tan theta, tan minus theta minus tan, cot theta sec minus theta sec theta plus theta cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, तो ये हमारी वैल्यू माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से भी बड़ा एंगल, क्योंकि ये रोटेशन तो सेम चलता रहेगा बार बार, अगर कोई भी एंगल जैसे कि 360 से बड़ा आ गया, 450 आ गया, 765 आ गया, 3 और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हजारों में आ गया, 1920 डिग्री आ गया, बड़ा सा डरावना सा आ गया, तो फिर हम कैसे करेंगे, तो हम सबको फिर 360 प्लस में कन्वर्ट करेंगे। 360 प्लस में भी कोई चेंज नहीं होगा और सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये दोनों क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट में, तो ये दोनों तो बहुत इजी बनने वाले हैं। तो जितने बड़े एंगल हैं वो डरावने होंगे लेकिन वो बहुत इजी हो जाएंगे, ऐसा हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो साइन 360 एक और देख लेता हूँ, साइन 360 प्लस थीटा, जितने भी बड़े एंगल हैं हम सब उसको 360 प्लस में कर लेते हैं, ये टेन, ये कॉट, ये sec और ये cosec। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, और 360 प्लस में चेंज होगा, नो चेंज, साइन साइन में रहने वाला, साइन cos tan cot sec और ये cosec, बहुत इजी हो जाएगा अगर हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 360 से बड़ा हुआ तो फिर फर्स्ट में, और थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर सेकंड में, तो ये रोटेशन हमारा चलता रहेगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं,
फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा इसमें कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, साइन 120 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? 60 तक, 90 तक तो हमें याद है 120 डिग्री। 120 डिग्री किसमें आएगा? 90 से बड़ा है या 180 से छोटा है, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। साइन में 90 में ऐड कर देते हैं 30, या फिर इसको कर सकते हैं साइन 180 माइनस 60। तो साइन 90 प्लस, पहले 90 देखा तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस आने वाला है, कॉस 30 साइन 60 रूट 3 बाई 2। 180 को देखा, साइन नहीं रहने दिया, और 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? रूट 3 बाई 2 हो गई। दोनों से वैल्यू सेम आने वाली है। हमें कोई एक ही मेथड से सॉल्व करना है, दोनों से नहीं सॉल्व करके दिखाना है। अभी तो मैंने चेक कराने के लिए बोल दिया कि आप दो तरीके से कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में होगा तो दो तरीके से हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, 10 to 25 डिग्री, 10 to 25, 10 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 10 180 प्लस थीटा थर्ड में आ गए। थर्ड में 180 को देखा, सीधे 10 लिख दिया, और 180 पॉजिटिव में होगा, 180 प्लस थीटा थर्ड में है तो पॉजिटिव होगा, 10 45 की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब 10 to 25 की वैल्यू 10 45 के इक्वल होगी और वो 1 हो जाएगी। उसके बाद cos 330 डिग्री ले लिया, cos 330 डिग्री को आप लिख सकते हैं किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 270 से बड़ा है और 360 से छोटा, तो 360 माइनस 30, cos 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? पहली बात तो cos देखा तो cos लिख दिया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्लस का हो गया, cos 30 sin 60 रूट 3 बाई 2। उसके बाद cos या एक और बड़ा एंगल ले लेते हैं, sin 19 20 डिग्री, इतना बड़ा एंगल डराना वाली जो मूवी थी ना 1920, वो एंगल ले लिया हमने। sin 1920 को हमने क्या किया, sin सबको जो भी बड़े एंगल है उसको 360 से डिवाइड कर दो, तो 360 से डिवाइड करेंगे तो 5 into 360 1800 प्लस 120। अब यहां पर किससे मल्टीप्लाई है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लगाएंगे फार्मूला sin 360 प्लस थीटा। यहां पर क्या मल्टीप्लाई है उससे कोई मतलब नहीं, sin 360 प्लस थीटा, पहले इसको 360 से डिवाइड किया और फिर इस तरीके से 360 से डिवाइड करके ऐसे लिख लिया, 1800 प्लस 120 1920 हो गया। sin 360 प्लस थीटा होता है sin थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव आएगा, और sin 120 अभी हमने पहले निकाला था 90 प्लस 30 करके रूट 3 बाई 2। तो ये हमारे कुछ बड़े एंगल के केसेस बन गए जिसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। cos 750 डिग्री, अगर मान लीजिए एक और मैं लिखता हूं cos 750 डिग्री, तो cos 360 into 2 720 plus 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया cos 360 plus थीटा, cos थीटा हो गया, प्लस का cos थीटा और cos 30 sin 60 root 3 by 2, मोस्टली root 3 by 2 याद है। तो ठीक है, आज हम यहीं पर करते हैं, बाकी फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर सीखेंगे। कुछ असाइनमेंट है, पहले हमको एनसीईआरटी अपनी पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर मॉड्यूल करेंगे, देन फिर जो जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो ओके यहाँ तक करें, फॉर्मूला जरूर याद करें ट्रिग्नोमेट्री में, स्टार्टिंग से जब से पहला लेक्चर हो तभी से फॉर्मूले सारे नोट करें और उनको लर्न करें। ठीक है, अगर इंटरेस्ट आ जाए